और शिवसेना सांसद संजय राउत से ईडी ने आज पूछताछ की। पात्रा चौल जमीन घोटाले मामले में उनसे पूछताछ की गई। संजय राउत ने कहा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ईडी के सामने पेश हुए। संजय राउत ने एक बार फिर ईडी की कार्रवाई के नाम पर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुझे और पूरे देश को पता है कि जो आवाज उठाते हैं उनके साथ ऐसा किया जाता है, मैं जांच एजेंसी को दोष नहीं दूंगा। महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच ईडी के पहले समन पर पेश नहीं होने पर एजेंसी ने दूसरा समन जारी किया था। ईडी ने उन्हें 1 जुलाई से पहले पेश होने के लिए दूसरा समन भेजा था, जिसके बाद संजय राउत ईडी में पेशी के लिए पहुंचे। राज्यसभा सांसद संजय राउत को मंगलवार को पूछताछ के लिए पेश होना था, हालांकि उनके वकील ने जांच एजेंसी के सामने दस्तावेज पेश करने के लिए 13-14 दिनों का वक्त मांगा था। इसके बाद एजेंसी ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। गौरतलब है कि राउत से मुंबई के पात्रा चौल के पुनर्विकास के सिलसिले में पूछताछ की जा रही है। इस देश की एक सर्वोच्च जांच एजेंसी है ईडी, मुझे समझ भेजा है, उनको कुछ जानकारी चाहिए। मेरा कर्तव्य बनता है एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इस देश का नागरिक, एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी शिवसेना का नेता होने के नाते मेरा कर्तव्य होता है, मैं जाकर सामने उनके साथ कोऑपरेट करूं। और महाराष्ट्र में सत्ता गंवा चुके उद्धव ठाकरे की सियासी परेशानी कम नहीं हो रही है। उद्धव गुट को सुप्रीम कोर्ट से आज एक और झटका लगा, ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में सत्ता गंवा चुके उद्धव ठाकरे गुट को सुप्रीम कोर्ट से आज एक और झटका लगा। शिवसेना सांसद सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर पार्टी के 16 बागी विधायकों को विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेने से रोकने की मांग की। शिवसेना की तरफ से कपिल सिब्बल ने अदालत में कहा कि डिप्टी स्पीकर जब तक बागी विधायकों के खिलाफ दी गई अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला नहीं लेते, तब तक उन्हें निलंबित रखना चाहिए। सिब्बल ने बागी विधायकों पर दल बदल कानून तोड़ने का भी आरोप लगाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना की अर्जी पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हम अपनी आंखें बंद नहीं कर रहे हैं, हम ये मामला 11 जुलाई को सुनेंगे। जब 11 जुलाई को मामले की सुनवाई होगी तब अर्जी में कही गई बातों पर गौर किया जाएगा। 29 जून को उद्धव ठाकरे के सीएम पद से इस्तीफे के बाद विश्वास मत की जरूरत नहीं पड़ी और 30 जून की शाम एकनाथ शिंदे को सीएम पद की शपथ दिला दी गई। शिवसेना बागी विधायकों को निलंबित कर विधानसभा में शिंदे की राह मुश्किल बनाना चाहती थी, लेकिन फिलहाल उसकी उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। और क्या शिंदे गुट अब शिवसेना के चुनाव चिन्ह और पार्टी के हेडक्वार्टर पर भी दावा ठोकेगा? सवाल बड़ा है, जवाब देखिए। शिंदे गुट ने सत्ता पर कब्जा जमाया, क्या अब सेना भवन पर दावा ठोकेंगे? उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की सत्ता गवाई, क्या अब पार्टी भी गवाएंगे? बुलेट की रफ्तार से रंग बदल रही महाराष्ट्र की सत्ता वाली सियासत में एक और टर्निंग पॉइंट दिखाई देने लगा है। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक शिंदे गुट अब पार्टी के चिन्ह ही नहीं बल्कि पार्टी मुख्यालय पर भी दावा ठोक सकता है। मुंबई में स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि शिंदे इससे पहले ही पार्टी के नाम, निशान और झंडे पर दावा कर सकते हैं। शिंदे लगातार खुद को बाल ठाकरे की शिवसेना का असली वारिस साबित करने की कोशिश में है। इसका पहला संकेत उन्होंने तब दिया जब पार्टी से अलग होने का ऐलान किए बिना मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। दूसरा संकेत अपने ट्विटर की डीपी बदल कर दिया। नई डीपी में शिंदे बाल ठाकरे के चरणों में बैठे हैं। एकनाथ शिंदे बेशक खुद को सच्चा शिव सैनिक साबित करने का प्रयास कर रहे हों, लेकिन उन्हें पता है कि उद्धव से अलग होने के बाद पहचान को लेकर नए किस्म के सवाल उनके सामने होंगे। सवाल रहेगा कि एक आम शिव सैनिक की नजर में ठाकरे की विरासत और उनसे जुड़े प्रतीकों की नुमाइंदगी क्या शिंदे कर पाएंगे।